बता दें जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियाबीकी ने पीएम मोदी पर सवाल उठाते हुए बेतुका बयान दे दिया। जेडीयू प्रवक्ता गुलाम रसूल का कहना है कि प्रधानमंत्री को अगर आतंकियों से निपटने में डर लग रहा है तो फौज में सिर्फ 30% मुस्लिमों को जगह दी जाए। गुलाम रसूल की ओर से बड़ी बात कही गई, हालांकि इसका संदर्भ क्या है यह समझना बहुत जरूरी है। उन्होंने ये कहा कि अगर आतंकियों से डर है तो मांग पर विचार किया जाए। जेडीयू प्रवक्ता गुलाम रसूल ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को आतंकियों से निपटने में डर लग रहा है तो फौज में 30% मुस्लिमों को जगह दी जानी चाहिए। और प्रधानमंत्री से भी कह रहा हूं, लोहे को लोहा काटता है, लोहे को गाजर नहीं काटता। अगर पाकिस्तान के आतंकियों से निपटने में आपको डर लग रहा है ना, क्या है तो सिर्फ 30% फौज में मुसलमान के बच्चों को जगह दे। और प्रधानमंत्री ऑन वन साइड ही इज मेकिंग अ सटायर ऑन हिंदू रिलीजन, हिंदू प्रिस्ट कम्युनिटी एंड अनदर साइड ही इज रेजिंग क्वेश्चन ऑन इंडियन आर्मी। वी कंडेम दिस। नीतीश कुमार मस्ट चेक हिज टंग।